अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का पुलाव। ये चिकन है 1 किलो। ये अपनी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 अदद प्याज, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। 2 अदद तेज पत्ते हैं। अदरक का टुकड़ा है जिसे हमने बारीक स्लाइस की सूरत में कट कर लिया है। और ये है लहसुन, ये तकरीबन 10 अदद हैं, इनको भी हमने बारीक काट लिया है इस तरीके से। ये है दालचीनी के कुछ टुकड़े, और ये है जावेत्री, ये जायफल बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा है। 2 हरी इलायचियाँ हैं, 1 बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायचियाँ, 12 अदद लौंगे, 15 अदद काली मिर्चें, और 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच साबित धनिया, 1 चम्मच भर के जीरा। तो आइए तो शुरू करते हैं। यखनी बनाएंगे हम, पहले हम ये डालेंगे, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है तो इसलिए पहले हम इसको गलाएंगे 5 मिनट, फिर चिकन हम बाद में डालेंगे। अब देखें, मैंने पानी पहले ही पकने के लिए रख दिया था, और अब देखें इसके अंदर उबाल आने वाला है। इसके बाद हम इसको 5 मिनट पकाएंगे। उबाल आने के बाद हम बना रहे हैं 3 पाव चावल। तो 6 कप आप पानी इसमें डाल दें, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा। हम नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक थोड़ी देर में डालेंगे। आधी चम्मची लौंगी और आधी चम्मची काली मिर्ची, दालचीनी के चंद टुकड़े, 1 चम्मच जीरा, 3 हरी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ते, 2 अदद प्याज दरमियानी। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इनको हम हल्का सा ना हल्का सा कूट लेंगे, काली मिर्चों को, लौंगों को। मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल हल्का सा कूटना है, उससे ये होंगे पुलाव के अंदर खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। हमने कूट लिया है, बिल्कुल हल्का सा दरदरा सा कूटा है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। हम इसको ढकेंगे नहीं, हम ऐसे ही यखनी तैयार करेंगे, और इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे तेज आंच पर। इसमें डाल देंगे नमक, नमक इसके अंदर खुला हुआ ही होना चाहिए। चिकन की यखनी तैयार हो चुकी है, हम चूल्हा ऑफ कर देंगे, और इसको ढकना नहीं है, इसको खोल के ही रखना है, नहीं तो बोटियां आपकी टूट जाएंगी। अब हम यखनी से बोटियों को अलग कर लेंगे। पुलाव बनाने के लिए इसमें तेल डालेंगे, इसमें 2 तेज़पत्ते डालेंगे, और पूरा गरम मसाला डालेंगे, जो हमने आपको गरम मसाला दिखाया था वो हमने इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर प्याज डालेंगे, और इसको हम फ्राई करेंगे। ये वाइट पुलाव बना रही हूँ मैं। प्याज हमने इतनी ही फ्राई करनी थी। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक, भर के डालना है 1 चम्मच, तो वो हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, अब हम इसे फ्राई करेंगे। चिकन को प्याज और लहसुन अदरक के साथ फ्राई करना है आपने 2 मिनट। अब हम डाल देंगे ये हरी मिर्चें जो हमने कूट के रखी है, और ये 1.5 चम्मच है। साथ हम डाल देंगे दही, 1 प्याली दही डाल दी, छोटी प्याली है, छोटी प्याली है, और हम इसे फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा नमक डाल दिया इसमें, और उसको हम फ्राई करेंगे। इसमें डाल देंगे 6-7 हरी मिर्चें, ये हमने भून लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे यखनी, यखनी डाल दी हमने इसके अंदर। 3 प्याले चावल थे और 6 प्याले हमने यखनी डाली है इसके अंदर। चावल को हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था।
अब हम इसमें चावल डाल देंगे। हमने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं और तेज आग कर दी है हमने, और इसमें डाल देंगे पुदीना थोड़ा सा। अब इसके अंदर पानी हल्का हल्का सा रह गया है, तो अब हम इसे दम पर लगा देंगे। इसके नीचे हम तवा रखेंगे और इसको तेज आंच पर रखेंगे। जैसे ही इस इधर से किनारों से धुआं निकलने लगेगा, हम इसकी आंच धीमी कर देंगे और इसको 10 मिनट तक दम पर लगा देंगे। अब हम इसमें डालेंगे तली हुई प्याज और रुए केवड़ा, और इसके बाद हम इसे दम पर रख देंगे। ये देखिए पुलाव तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बना है। आप लोग ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।